यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और दो से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कई सारी कटौती की गई है। विधि आयोग ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई यानी आज योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। इस पूरी खबर को विस्तार से बताएं, इससे पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि विश्व में सबसे पहले कहां जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू किया गया था। बात 25 सितंबर 1980 की करेंगे जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह एक्ट लागू किया और इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई। जो इस एक्ट का उल्लंघन किया या तो उनका एबॉर्शन करा दिया गया या फिर उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसा दिया गया था। 2015 में सरकार को इस कानून में बदलाव करना पड़ा क्योंकि जनसंख्या तेजी से घटनी शुरू हो गई। और 2021 में जनसंख्या के तेजी से घटते हुए क्रम को देखते हुए सरकार ने 3 बच्चों की प्रोत्साहित करने की अनुमति दे दी। सालों से सरकार की बर्बरता और महंगाई को देखते हुए अब लोगों में बच्चा पैदा करने के प्रति दिलचस्पी भी नहीं रही है। इसलिए चीन की बात याद की जाए तो वहां पर 1980 से पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार लोगों को प्रेरित किया जाता था, जैसे आज भारत में किया जाता है। आप कई सारे स्लोगन देखते होंगे, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन से चीन में भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत की गई थी। यह जानकारी साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब उत्तर प्रदेश में चीन जैसी जनसंख्या बिल तो नहीं, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल यूपी के 9 कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण स्थितिकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर सरकारी निकाय में चुनाव तक पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी न दिए जाने का इसमें जिक्र है। सरकार ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड भी कर दिया है और इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। लेकिन राज्य के 9 कमीशन ने ऐसे लोगों के साथ ड्राफ्ट ऐसे समय पर तैयार किया है जब योगी सरकार 11 जुलाई को जनसंख्या नीति यूपी में लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें खास तौर पर समुदाय को केंद्रित करके जागरूकता अपनाने पर भी ध्यान दिया है। हालांकि आयोग का कहना है कि यह कानून का मसौदा स्वप्रेरणा से तैयार किया जा रहा है। बता दें कि यूपी में अधिक आबादी के कारण यह कदम उठाना अति आवश्यक हो गया है। अब बात करेंगे क्या है यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021। इसमें 2 बच्चे वाले अभिभावक को इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है। इसके अलावा उनका प्रमोशन करने का भी प्रावधान है। सभी सरकारी कर्मचारियों स्थानीय निकायों को अब शपथ पत्र देना होगा। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है और प्रोन्नति रोकने और बर्खास्तगी का भी इसमें प्रस्ताव है। वहीं यदि स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले हैं तो उनको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा प्रमोशन की सुविधा और सरकारी आवास में सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का भी प्रावधान है। स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले को प्राइवेट नौकरी में भी सुविधा दी जाएगी। उनके पानी, बिजली, हाउस टैक्स और होम लोन में भी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 संतान वाले अध्यापकों के बच्चों को मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। अभिभावकों को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट के अलावा 1 संतान वाले गरीब जो नसबंदी कराते हैं उन्हें 1 बेटा होने पर 80,000 रुपये जबकि 1 बेटी होने पर 1,00,000 रुपये देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। हालांकि इस एक्ट में कई लोगों को छूट भी दिया गया है, जैसे नियम लागू होने से पहले प्रेग्नेंट महिलाओं को इसमें छूट मिलेगा। इसके अलावा जुड़वा बच्चे वाले अभिभावक को भी इस एक्ट में छूट का प्रावधान किया गया है। पहला या दूसरा या दोनों यदि निःशक्त हैं तो उसमें भी छूट का प्रावधान है और तीसरा बच्चा गोद लेने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 शादी करने वाले भी अब कानून के दायरे में होंगे। धार्मिक या पर्सनल लॉ में 1 से ज़्यादा शादी करने वाले सभी पत्नियों को मिलाकर 2 ही बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। सभी पत्नियों को मिलाकर
सिर्फ दो ही बच्चे पैदा करने होंगे तभी इस एक्ट का पालन हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं में लाभ मिल सकेगा। यदि ज़्यादा बच्चे पैदा हुए तो सभी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। हर पत्नी को इस एक्ट में लाभ मिलेगा, चाहे दो शादी की गई हो या तीन शादी। यदि किसी महिला के एक से ज़्यादा पति हैं तो दोनों पतियों से दो ही बच्चे पैदा करने की सुविधा इसमें दी गई है, नहीं तो सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दो से ज़्यादा बच्चे होने पर कई योजनाओं में कटौती की गई है। सरकारी योजनाओं में लाभ के अलावा राशन कार्ड में चार से ज़्यादा सदस्य नहीं जुड़ सकेंगे। इसके साथ साथ स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। यदि आबादी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 23 करोड़ की आबादी है और यदि 2021 जनगणना की बात करें तो उसमें 19,12,341 की आबादी है, जो कि देश की कुल आबादी का 16.5% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, जहां 59,54,391 की जनसंख्या है, जबकि सबसे कम आबादी वाला महोबा जिला है, जहां सबसे कम 8,75,958 की जनसंख्या है। अब 11 तारीख यानी आज इस एक्ट को लागू किए जाने के बाद कई सियासतदार और संगठन इसके विरोध में हैं, तो वहीं हिंदू परिषद समेत तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि इस एक्ट को चाहते हैं। ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो 200 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी लोगों को वंचित रखने का इस एक्ट में प्रावधान है। अगर यह एक्ट पूरी तरीके से लागू हो गया तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरा संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने का भी इसमें प्रस्ताव है। वहीं यूपी ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को बताया गया है। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने लगातार जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता बताई थी। भले ही देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर आज जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता हो, लेकिन देश का एक ऐसा राज्य है मिजोरम जहां घटती जनसंख्या के लिए वहां के लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें 1,00,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है।